आदाब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ टमाटर की फ्राइड चटनी की रेसिपी। इससे पहले कि मेरे मुंह में पानी आ जाए, आइए इसे बनाने का तरीका जान लें। टमाटर की फ्राइड चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 मीडियम टमाटर, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा फ्लेवर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें आएगा आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, 5 से 6 लहसुन की कलियां कटी हुई और 8 से 10 करी पत्ता। इसके अलावा इस पे 2 छोटी प्याज आएंगी, आप प्याज कम भी कर सकते हैं, 2 चम्मच तेल और नमक आपको जितना चाहिए। चटनी बनाने के लिए पैन को गैस पे रखिए और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल के डाल दीजिए। जब तेल हल्का सा गर्म होने लग जाए तो उसमें सरसों डाल लीजिए। सरसों डालेंगे तो आप देखेंगे चटकने लग जाए, और इसी दौरान आप इसमें जीरा भी डाल दीजिए। और प्लीज़ थोड़ा सा दूर होके खड़े हो जाइए, क्योंकि ये आपको लग सकती है, तेल के छींटे और ये गर्म गर्म सरसों आपको लगेगी ज़रूर अगर आप पास खड़े रहेंगे। इसके बाद बारी आती है लहसुन की। लहसुन को डाल के आप लगातार चम्मच से चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा, और फिर मुझसे मत कहना कि भैया आपका लहसुन जल गया था। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए और इसको हल्का सा गोल्डन होने देना है, और ये बहुत ही कम सेकंड्स में गोल्डन हो जाता है। देखिए मेरा हो भी गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें गुलाबी होने तक पकाना है। अब लोग कहते हैं गुलाबी होने का मतलब क्या होता है? गुलाबी होने का मतलब है प्याज जब हल्की हल्की पक जाती है, हल्की सी मुलायम हो जाती है, तो हमें इस प्याज को उस सिचुएशन तक लेके जाना है। तो अब ये मेरी प्याज गुलाबी हो चुकी है, गुलाबी के साथ साथ कुछ कुछ ब्राउन भी हो गई है, और अब टाइम आ गया है इसमें टमाटर डालने का। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के साथ साथ हम बाकी बची चीज़ें भी अभी डाल देंगे, जैसे कि करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता पहले डालोगे तो इसका फ्लेवर चला जाएगा, इसी टाइम पर डालिए। और इसके बाद ये डाली मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, और इसके बाद हमारा नमक। नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा ना डालिए, क्योंकि नमक अगर आप ज़्यादा डाल देंगे और टमाटर भी होते हैं खट्टे, तो फिर क्या होगा कि आपका इसका ज़्यादा नमक हो जाएगा, इसलिए नमक इसमें बहुत कम डालिए। अब इसको मिलाकर और फिर इस पर ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए कम आंच पे पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और अब इसे खोलकर देखते हैं। टमाटर पक गए हैं, अब हम इसे मैश कर लेते हैं। मैश करने से क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाएगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, पर ध्यान रखिए पानी बहुत ज़्यादा ना मिलाइए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाइए। जैसे मैंने यहाँ पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा सा और पका लीजिए, तो ये जो पानी है वो इसमें बिल्कुल मिल जाएगा, ये एक जान हो जाएगा। वाह, टमाटर की फ्राइड चटनी तैयार हो गई है, और ये बहुत अच्छी लग रही है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, और मैंने इसे निकाल लिया। आप इसे दाल चावल, पराठे, दाल रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मुझे इसे बेसन की रोटी के साथ खाना पसंद है, तो मैंने इसे वैसे ही निकाला है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग देसी पन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।